अखिलेश कश्यप कहे हैं ना कि अगर सांसद का चुनाव लड़ना रहता तो खेसारी लाल यादव कब का लड़ लिए रहते हैं। खेसारी लाल यादव जब भी राजनीति में आएंगे तो मुख्यमंत्री के दावेदार से आएंगे, हम भैया सांसद बन जाएंगे, उसके बाद हम लोग खेसारी भैया मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे भाई खेसारी भैया मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, अगर हम लोग अगर आएंगे राजनीति में तो हमारा तो सोच वही रहे, सांसद विधायक लड़ने का कोई इच्छा नहीं। सांसद विधायक तो कब के लड़ गए होते, लड़ना होता। मैं भी ऐसे ही वोट दूंगी खेसारी जी को, एक बार नहीं 50 बार वोट दूंगी। मुख्यमंत्री बनेंगे तो आप क्या बनेंगे? आपको भी तो कोई मंत्री पद चाहिए ना भाई? नहीं, मुझे तो कोई पद नहीं चाहिए। पवन सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं, मालूम है आपको? मालूम है। प्रचार करने जाइएगा? नहीं। काहे? वहाँ पे बड़े बड़े लोग जाते हैं, मैं जाके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं राइज अप बिहार। भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत ही चुलबुली एक्ट्रेस हमारे साथ प्रीति राज जी। खेसारी जी के साथ इनका एक बड़ा चर्चित गाना आया था बैगन, उसके बाद लूडो में भाई यूपी में गेम वेम खेलवा रही थी। अब पता नहीं कब आएगा इनका गाना, दर्शक बहुत बड़ा भाई आपका डिमांड कर रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत, कैसी हैं आप? राइज अप बिहार से जितने लोग देख रहे हैं सारे दर्शकों को नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं? बस हम तो काले हैं भाई, क्या करें बाप, पूछ के बार बार है तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। अरे बाप रे बाप, कब आएगा खेसारी जी के साथ तीसरा गाना? भाई एक आया तो बैगन पूरा बवाले विवादे हो गया भाई, दूसरा आया तो लूडो भाई अब गेम ही खेलवा दी, अब तीसरा में कौन भाई प्रीति राज का क्या रोल रहेगा, कौन सा गाना आएगा? अब तो मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी धमाल गाना आएगा। और जैसे मेरा बैगन गाना ट्रेंड किया था ना 3 महीने तक, वैसे वो भी गाना ट्रेंड करेगा, जो आएगा ना वो गाना भी 3-4 महीने 6 महीने तक ट्रेंड करेगा। अच्छा, आप ट्रेंडिंग में तो बड़ा रहती हैं। हाँ। एक बात बताइए। हाँ। पवन सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं। हाँ। मालूम है आपको? मालूम है। प्रचार करने जाइएगा? नहीं। काहे? वहाँ पे बड़े बड़े लोग जाते हैं, मैं जाके क्या करूँगी? खेसारी लाल यादव को पता है आपको, एक बड़ा क्लिप वायरल हो रहा है खेसारी लाल यादव के, जो राइटर हैं अखिलेश कश्यप, उनसे एक बंदा इंटरव्यू किया और पूछा ना कि खेसारी लाल यादव जी कब सांसद का चुनाव लड़ेंगे, तो पता है अखिलेश कश्यप क्या कहे हैं? बोलिए क्या। अखिलेश कश्यप कहे हैं ना कि अगर सांसद का चुनाव लड़ना रहता तो खेसारी लाल यादव कब का लड़ लिए रहते हैं। हाँ। खेसारी लाल यादव जब भी राजनीति में आएंगे तो मुख्यमंत्री के दावेदार से आएंगे। और आपको पता बता देते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा गुप्त सूत्र से मालूम चल रहा है कि खेसारी लाल यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, आपको मालूम है? बहुत बढ़िया, मैं तो चाहती हूँ कि बने, क्योंकि ये मेरे गांव के हैं, अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम लोगों पे ज्यादा ध्यान देंगे। मुख्यमंत्री बनेंगे तो आप क्या बनेंगे? आपको भी तो कोई मंत्री पद चाहिए ना भाई? नहीं, मुझे तो कोई पद नहीं चाहिए, बस मैं तो भगवान से ये प्रार्थना कर रही हूँ, आज से करूँगी कि जल्द ही जल्द खेसारी जी मुख्यमंत्री बन जाए, और मैं एक नहीं 10-10 वोट दूंगी कपड़ा चेंज कर कर। बोकस वोट दीजिएगा क्या? नहीं, एक होता है ना गाँव में ना औरतें ड्रेस चेंज कर करके जाके मुंह बांध बांध के वोट देती हैं जिताने के लिए, तो मैं भी ना सच बोल रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ? नहीं, सच बोल रही हूँ, मेरी मम्मी भी ऐसी करती है, भाभी भी करती है कि ड्रेस चेंज कर करके जाके बार बार 10 बार वोट देती है, तो मैं भी ऐसे ही वोट दूंगी खेसारी जी को, एक बार नहीं 50 बार वोट दूंगी मैं।